हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्रिस कोर्स से काम आने वाला है ना। नेगेटिव नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव तो है बट नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, वेर जी इज गिवन, एच इज गिवन, द गेन जी डिक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू 5,000, द ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज्ड बाय। वाओ, गजब का क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूरी कहानी समझ लीजिए। एक है ट्रांसफर फंक्शन, एक है जी यानी कि फॉरवर्ड पाथ गेन, एक है एच यानी कि फीडबैक, बिकॉज दिस इज द नॉन यूनिटी फीडबैक बट नेगेटिव फीडबैक है। द गेन जी डिक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू 5,000, गेन जो है ना जी, वो 10,000 से आ गया 5,000 पे। ओके, ठीक है। द ट्रांसफर फंक्शन डिक्रीज्ड बाय, नाउ टी डिक्रीज्ड बाय पूछा है, तो टी का विद रिस्पेक्ट टू जी आपको पता ही है, मतलब सेंसिटिविटी वाला जो हमने करके देखा वो आपको पता ही है। वो क्या है कि सर, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू जी इज नथिंग बट द फॉर्मूला 1+GH। अब आपको याद हो गया क्या? जी सर, याद हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि डेल टी बाई टी, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज नीचे और ऊपर परसेंटेज लिखा है तो वो परसेंटेज कट जाता है, परसेंटेज परसेंटेज ये कट जाता है ना। तो इसकी वैल्यू हो गई आप लेके आए 1+GH। ठीक है, आगे बढ़ू। तो डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी आपसे पूछा जा रहा है, डेल जी बाई जी डिवाइड बाई 1+GH, 1+GH, ये पूरा फॉर्मूला है। नाउ वेयर इज द डेल जी? डेल जी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ये रहा डेल जी। अरे सर, दिस माइनस दिस, ये वाला जी और ये वाला जी, जी वन जी टू मान लो, दोनों को माइनस सिटी कर दें अपन तो ये डेल जी ही बनेगा ना। तो डेल जी की वैल्यू कितनी? 5,000। सो ओवर हियर 5,000, इनिशियल वैल्यू कितनी है? इनिशियल जहाँ से चले दैट इज द 10,000 डिवाइड बाई 1+GH। सो 1+G कितना है जी भैया? 10^4 है, 10^4 है ना, जहाँ ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, गुणा H। H की वैल्यू कितनी है? 0.01 है, यानी कि इसमें से 2 को ख़त्म कर दो तो ये बचेगा सिर्फ इतना। ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दें, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, चलिए यहाँ ले आए हम इसको। सो दिस इज नथिंग बट ये कितना बचा? 0.5 बचा, 0.5, और ये 100+1 इज तकरीबन 100 ओनली। सो ये क्या है? डेल टी बाई टी की वैल्यू। सो परसेंटेज में ये दी है तो गुणा कर दो 100 का, क्योंकि उसने पूछा किस में, ऑप्शन कैसे हैं भाई, परसेंटेज में है ना, ये परसेंटेज में। तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आ गए अपन, इसका परसेंटेज मान लो निकालना होता 100 से मल्टीप्लाई करो। सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5%, 0.5% इज द आंसर। सीधी है ना बात, कहानी क्लियर है ना? ओके, देखो एक्चुअली क्या है कि डेल टी परसेंट तो कट गया था, तो अब सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आए, बट उसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, बिकॉज द आंसर इज इन परसेंटेज। है भी कि नहीं? हाँ है भैया, ए इज द आंसर। आ गया मजा। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन, वे वाई टी इज द आउटपुट एंड एक्स टी इज द इनपुट, देन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज वेरी इजी, वेरी इजी कहानी है ना। डी वाई टी यानी कि एस वाई एस प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस, यस और नो? ये हमने इसको लिख लिया। वेर वाई टी इज द आउटपुट एंड एक्स टी इज इनपुट, देन द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा है। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन आसानी से आ जा रहा है भैया, वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस, ट्रांसफर फंक्शन है ना, और वो क्या आ रहा है? 1 डिवाइड बाई एस प्लस वन आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। नाउ ध्यान से सुनिए, उसने पूछा है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स एच ऑफ टी है ना। क्या होता है इम्पल्स रिस्पॉन्स? अरे जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ना, इसका यदि लाप्लास ले लें, इम्पल्स रिस्पॉन्स का यदि लाप्लास ले लें तो ट्रांसफर फंक्शन आता है। तो ट्रांसफर फंक्शन का यदि इनवर्स लाप्लास ले लो, इनवर्स लाप्लास यदि ट्रांसफर फंक्शन का ले लेते हो आप, तो आपके पास एच ऑफ टी आ जाएगा, है कि नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात? तो इसका इनवर्स लाप्लास ले लो।
आपको मिल जाएगा एच ऑफ टी, दैट इज नथिंग बट द इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसका इन्वर्स ले लो, एल इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस वन, दिस इज नथिंग ई टू द पावर माइनस टी, यू ऑफ टी लिख दीजिए, नहीं लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ई टू द पावर माइनस टी यू ऑफ टी, कहानी खत्म है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे क्या बोलता है। द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज दिस, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स है भाई, सी ऑफ टी इज नथिंग बट द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि वही एच ऑफ टी है आपके पास, और वो क्या है कोई बोलेगा मुझे, टी ई टू द पावर माइनस टी प्लस टू ई टू द पावर माइनस टी, है ना। टी ग्रेटर देन, देखो ये क्या मैंशन कर दिया, टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, वो कंट्रोल सिस्टम में हम हमेशा टी ग्रेटर देन जीरो की ही बात करते हैं, यानी कि हमेशा हम लिख लेते हैं ना यू ऑफ टी कहीं पे भी, वो इसीलिए लिखते हैं, यूनिट डायरेक्शनल में काम करते हैं, बाई डायरेक्शनल में नहीं। डिफाइन कर दिया, ठीक नहीं कर दिया तो अपन देख लेंगे। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, अरे सर इसका यदि लाप्लास ले लोगे तो देट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, सो दिस इज नथिंग बट, इसका यदि लाप्लास लोगे तो ये हो जाएगा टू अपॉन एस प्लस वन, इसका माइनस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर। ट्रांसफर फंक्शन पूछा है उसने, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सो जरा यहाँ ध्यान से देखें, एलसीएम लेंगे एस प्लस वन का होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा टू एस प्लस वन माइनस वन, सो टू एस प्लस टू माइनस वन डिवाइड बाई एस प्लस वन स्क्वायर। बेटा एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है ना, बड़ा ईजी लग रहा है ना तो गलतियाँ हो जाती हैं, और अक्सर होती हैं, हर बार होती हैं, तो बड़ा सावधानी से करना बेटा, प्लीज़ खोल के कर लेना, दिमाग में मत करना, एरर संभव, एरर हो गई ना बेटा जीवन में बहुत कुछ गायब हो जाएगा। 2s प्लस वन अभी के लिए s प्लस वन का होल स्क्वायर, s प्लस वन का होल स्क्वायर, कहानी ख़त्म हो गई ना। यस, अब कभी कभार एग्जामिनेशन में क्या होता है, माइनस की जगह प्लस गलती हो जाती है, तो ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। एक और बड़ी मिस्टेक हो जाती है, कब हो जाती है कि जैसे ही आप इतना कैलकुलेट करके आए और वो कास ऑप्शन में मिल जाए, ऑप्शन में है क्या, नहीं है, अपन बना लेते हैं, वैसे गेट में देते हैं बट इंजन ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अरे भाई ये सी एल टी एफ निकाला है, दिस इज नथिंग बट द सी एल टी एफ नॉट द ओ एल टी एफ, एंड ही इज आस्किंग अबाउट द ओ एल टी एफ। बड़ी सारी चीज़ों पे पैनी नज़र रखिए, दिमाग को ओपन रखिए बेटा, अपने को बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे लाइन में है ना, तो अपने को जीतना है ना बेटा, है ना, तो कैसे होगा, ध्यान रखना पड़ेगा अपने को छोटी छोटी चीज़ों का। ओ एल टी पूछा, सी एल टी एफ आया, लेकिन किसके लिए आया, यूनिटी फीडबैक सिस्टम, यूनिटी फीडबैक के लिए आया क्या, यस सर यूनिटी फीडबैक के लिए आया है, तो सी एल टी एफ को ओ एल टी एफ बनाने का जादू मुझे पता है सर, तो बता दे बेटा, बना ले ओ एल टी एफ। यदि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो कुछ नहीं करना सर, इसको यहाँ से सब्सक्राइब यानी घटा लेना है, एस इसको खोल दो ना भाई, एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन माइनस, इस वाले को यहाँ डाल दो टू एस माइनस वन, तो क्या आया बच्चे, सर यह आया टू एस प्लस वन, यहाँ से इसको गायब नहीं करना है, कट पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है, सो ये गया, ये गया, नीचे आ गया एस स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट द ओ एल टी एफ, दिस इज नथिंग बट द ओ एल टी एफ, टू एस प्लस वन डिवाइड बाई इतना है क्या ऑप्शन में, होना पड़ेगा उसको, होना पड़ेगा, ये रहा ऑप्शन में, अरे ध्यान रखना छोटे छोटे चीज़ें ध्यान रखना बेटा। अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला, द ट्रांसफर फंक्शन टू द गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द वैल्यू ऑफ आर वन एंड आर टू इज, ओके The value of R1 and R2 is पूछा हुआ है, और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू दे दी, यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं दिए भाई, ऑप्शन आई थिंक आई मिस्ड, चलो आप ऑप्शन को छोड़ो। अब देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये आपको प्रारंभिक दृष्टि से लगेगा यार थोड़ा पता नहीं लेंदी तो नहीं निकले, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना मतलब देखो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज दिवन, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो गया, वी नॉट बाई एस डिवाइड बाई दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। अब यहाँ कैलकुलेशन करोगे, इस वोल्टेज को फाइंड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन को इससे कंपेरिजन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में आपने इसको स्टार्ट करना शुरू किया, मतलब इसको सॉल्व करना शुरू किया, और उसके बाद आप इसमें एक मिनट लग गए और आपको लग रहा दो मिनट लग गया, अब नहीं होगा, तुरंत छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो बेटा, स्ट्रेटजी है बेटा,
तुरंत छोड़ने का, क्योंकि इसमें फंस गए तो ये आपकी दो चीज़ें ले डूबेगा, एक तो समय और एक कॉन्फिडेंस, और दोनों गेट एग्जामिनेशन में आपके पास लिमिटेड रहता है, है ना। करेंगे ना इसको एग्जामिनेशन में, सबसे बाद में देखेंगे, जहाँ सब कुछ पहले लल्लू लल्लू निपटा लो, उसके बाद में देख लेंगे इसको, है ना। ये सर नो, चलिए 2020 में जब भाई शुरू से ही थोड़े ना मारने लग जाते, थोड़ा रिच पा के एक दो ओवर तो जमते हैं ना, खेलते हैं ना, पहली गेंद से ही दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़, जो 15वें ओवर से 20वें ओवर में होता है ऐसा तो नहीं होता ना, पहले से 5वें ओवर में करना पड़ता है, बट थोड़ा जमना भी पड़ता है, सेम हियर। चलिए अपन फाइंड करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। दिस इज द आर टू, और इसने वैल्यू ही पूछी है आर वन और आर टू की वैल्यू पूछी है। सो दिस आर टू इसको एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/CS, यू नो वेरी वेल। चलिए तो सबसे पहले तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन्हें रिजोल्व कर लें। इन्हें यदि रिजोल्व करेंगे, सबसे पहले इसे यदि रिजोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा R1 गुणा 1/C, सी माइक्रो है तो ऊपर जाके वो बन जाएगा 10^6, सो 10^6 एस R1 प्लस 10^6 बाई एस, ये बन गया। यहाँ से और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, छोटा कर लेते हैं, एस LCM ले लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट R1 गुणा 10^6 डिवाइड बाई R1S प्लस 10^6, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब वी नोट पता करना है, सो वी नोट है वोल्टेज अक्रॉस R2, सो R2 गुणा सोर्स वोल्टेज कितना बेटा Vi(S), ठीक है, डिवाइड बाई R2 में प्लस करोगे किसका, ये इसका रिजल्टेंट का, सो R1 गुणा 10^6 डिवाइड बाई R1S प्लस 10^6, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन आ गया, इसको V0S को इधर ले आओ, सो V0S डिवाइड बाई Vi(S), ये ट्रांसफर फंक्शन है, और इसकी वैल्यू हो गई R2, और अपन एक काम कर लेते हैं, ये R1S प्लस 10^6 को ऊपर भी पहुंचा दिया, अब इसको यहाँ से भगा दो, क्योंकि ये कर रहा है आपको डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ठीक। ओके, क्या किया मैंने R2, और ये चूँकि ये LCM लिया तो ये मैंने ऊपर पहुंचा दिया, डिवाइड में R1 गुणा 10^6 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, मतलब R1S प्लस 10^6 बेटा, ये आ गया, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन अब बस कुछ नहीं, इसकी कंपैरिजन कर लेंगे अपन। कंपैरिजन किससे करेंगे भाई, कंपैरिजन करेंगे सर, इसका कंपैरिजन करेंगे हम जो दिया हुआ है, दैट इज के 1+0.3S डिवाइड बाई 1+0.17S, इससे कंपेयर कर लो, है ना। अच्छा जी, यहाँ क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ओके, क्या किया जाए यहाँ, यदि कंपेयर कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक दूसरे से कंपेयर कर लो, तो ध्यान से समझना, यहाँ R1 और R2 जो है उसकी वैल्यू काम ये करते हैं कि 1+ वाला पहले तो फॉर्म बना लेते हैं, 1+ इतना वाला, तो 1+ वाला फॉर्म बनाओगे तो 10^6 को तो कॉमन लेके आओ, तो यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ कितना बच जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ यदि 1 बच गया, सो 10^ यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10^-6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10^-6। अब डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं ज़रा, 1+ वाला फॉर्म बना लिया, 1+ वाला इनसाइड है 1+, बाहर k है, k की वैल्यू ये रही, अब s के साथ है 0.3, है ना। ओके, ध्यान से, s के साथ ये है जो इसका मल्टीप्लायर है, दैट इज 0.3, 0.3 इज इक्वल टू दिस, कितना भाई, R1 गुणा 10 टू द पावर माइनस सिक्स, इसके बराबर, है ना। सो R1 यहाँ से कितना आ गया 0.3 गुना 10^6, ये आई थिंक ऑप्शन में था, ये है ना, ऑप्शन में क्या था, 300 किलो ओम राइट ना, हाँ 300 किलो ओम ऑप्शन में था। नाउ फाइंड आउट द R2,
तो आर टू के लिए क्या करना पड़ेगा, आर टू के लिए फाइंड करने के लिए आप इसको नीचे वाले को कंपेयर करें, तो नीचे वाले को वन प्लस एस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वन प्लस एस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट, इसको अब मिटा दूँ यहाँ से, काम हो जाएगा ना आपका। आर वन हमने फाइंड करके दे दिया है आपको, नाउ लेट्स फाइंड आउट द आर टू। सो अगेन इसको हम क्लियर करते हैं, तो एस वाली टर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगी, आर वन और आर टू, यस आर वन और आर टू, बाकी वन प्लस वाली टर्म बनानी है ना अपने को। सो यार मेरे को एक चीज़ देख लेना, मैं कुछ गलत है तो नहीं हूँ यहाँ पे, ये रही टर्म यहाँ पे प्लस दिस, चलिए देखेंगे जो होगा देखेंगे, है ना। ओके लेट्स फाइंड आउट दिस, आर वन गुना टेन टू द पावर सिक्स प्लस आर वन आर टू एस, आर वन आर टू एस प्लस आर टू गुना टेन टू द पावर सिक्स। सो ये दोनों कॉमन निकाल लो, है ना यार, बड़ा विचित्र प्राणी है ये, वन प्लस एस वाला फॉर्मेट है ना, ये दोनों इन दोनों दिस प्लस दिस एम मान लेता हूँ मैं फॉर द सिंप्लिसिटी, आर वन आर टू एस है ना, वन बनाना है तो एम को कॉमन ले लो, तो वन प्लस आर वन आर टू डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू एस। नाउ आर वन आर टू डिवाइड बाई एम की वैल्यू दी हुई है, आर वन आर टू डिवाइड बाई एम की वैल्यू दी हुई है कितनी, 0.17 इफ आई एम करेक्ट, इस 0.17 वहाँ शायद लिखा हुआ है ना, चलो सॉल्व करते हैं। आर वन की वैल्यू तो आपके पास, आर टू की वैल्यू चाहिए, नाउ एम की वैल्यू क्या है राजा बेटा, एम की वैल्यू है दिस प्लस दिस, टेन टू द पावर सिक्स कॉमन आ गया यहाँ से, मतलब आर वन प्लस आर टू है ना, तो टेन टू द पावर सिक्स यहाँ से कॉमन आ गया, आर वन प्लस आर टू इसकी वैल्यू है, आर वन प्लस आर टू इसकी वैल्यू है, बराबर आ गए अपन बहुत ही नज़दीक। देखो मैंने ये एम का जादू कर लिया तो बार बार लिखना नहीं पड़ा, इसलिए क्या हुआ एरर, जो मिस्टेक हो सकती थी वो हमने कत्लेआम मचा दी इसका, तो इससे इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 0.3, ऊपर 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 हम लेके आ गए यहाँ पे, ये लीजिए आर वन की वैल्यू 300K है ऑलरेडी आपके पास, तो यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ 300K, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आर टू ही अननोन है, तो यहाँ से जो भी आर टू की वैल्यू आप लेके आओगे उसमें मुझे खुशी होगी, ठीक है। इसका आंसर सॉरी इसका आंसर उसका मेरे को वो नहीं मिला, ऑप्शन पता नहीं कहाँ रह गया, बट आई थिंक इसकी वैल्यू 400K है, ध्यान रखना आर टू की वैल्यू जो आएगी 400K है, मे बी आई एम रॉन्ग बट 400K है जहाँ तक है इसकी वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन, फॉर द सर्किट शो इन द फिगर द इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, इट्स ट्रांसफर फंक्शन इज, अगेन ट्रांसफर फंक्शन पूछा है और ये सारी कहानी आपको दी हुई है, बस इसमें तो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के और आते हैं और आ सकते हैं और आएंगे भी, तो वी नॉट एस इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज दैट इज वी आई, मल्टीप्लाई करेंगे इसका किस में, 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई एस में, डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2s प्लस 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई s, तीनों को मैंने जोड़ दिया है ना, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई s, है ना। अब यहाँ से काम करते हैं कि 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई एस को बाहर निकालते हैं, पकड़ के 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाई एस को बाहर निकालते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 10 टू द पावर और यहाँ बचेगा एस, ठीक है, और इसमें क्या बचेगा भाई, इसमें बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 4 गुना एस स्क्वायर, ये बचेगा इसमें, ठीक है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये गोट कैंसल्ड, आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 4 तो ऊपर पहुंचा दो, ये हो जाएगी 10 टू द पावर 4 प्लस 10 टू द पावर 4 एस प्लस
माइनस टू, तो इसको सिक्स से ही बना लो ना भाई, इसको टेन टू द पावर सिक्स बना लो, ये टेन टू द पावर सिक्स हो गया, ये टेन टू द पावर सिक्स हो गया, और यहाँ पे एस स्क्वायर हो गया, तो होना कैसे ये टेन टू द पावर सिक्स, टेन टू पावर सिक्स, टेन टू द पावर दिस 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 दिस, टेन टू द पावर सिक्स, टेन टू द पावर सिक्स एस, एस स्क्वायर दिस डी, डी इज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए ठीक है भैया लोग, तो अब मिलते हैं अपन अगली यूनिट में। पहले यूनिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा संजो के रखना, काम आएगा। बाय बाय, मिलूंगा नेक्स्ट में।